है मुंडा जनजाति के लोग, उनका ये हरगढ़ी स्थल है। देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी बड़ा बड़ा, तो मेगालिथ ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहा जाता है जिसका प्रयोग अपने पूर्वजों की स्मृति स्मारक बनाने में उपयोग करते थे। जोहार, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज हम लोग रांची से लगभग 80 किलोमीटर दूर बुंडू के सोनातु से सटा हुआ एक गांव है चोकाहतु, वहां पर आए हुए हैं। वहां पर मेरे जियाजी का जो भाई है, मेरा यार, उसका शादी का रिसेप्शन है, तो उसी में शामिल होने के लिए आए हैं। तो उसी गांव में एक बहुत ही पुराना जो मुंडाओं का हड़गड़ी स्थल है, जहाँ पे जब इंसान का मृत्यु हो जाता है उसके बाद उसका जो शरीर को दफन करते हैं, उस जगह पे आए हुए हैं। जगह है बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और यहाँ पर लगभग 2500 साल पुराना जो मुंडाओं का हड़गड़ी स्थल है, ये जो एरिया है वो लगभग 7 एकड़ 15 डिसमिल एरिया में फैला हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा है, और 7-8 गांव से मिलके ये जो स्थल बना हुआ है। आते हैं उसका एक झलक आप सभी को। और ये जो मेगालिथ साइट है ये बहुत ही बड़ा है, लगभग 7 एकड़ 15 डिसमिल में फैला हुआ है। 7 से 8 गांव का ये जो एक हड़गड़ी स्थल है यहाँ पे, जब आदमी मर जाते हैं तब यहाँ पर उनका हड्डी को दफन किया जाता है, इसलिए हड़गड़ी स्थल कहा जाता है। और ये जो एशिया का मतलब बहुत ही बड़ा मेगालिथ साइट है चोकाहतु, जो गांव है वहाँ पे ये मौजूद है। ये जो साइट है लगभग बहुत ही बड़ा है, ये देख सकते हैं 2500 साल पहले से लोग यहाँ पर इस जगह में हड़गड़ी करते आ रहे हैं अपने पूर्वजों की याद में। बड़ा बड़ा जो पत्थर यहाँ पर गाड़ा गया है, इस तरह से लगाया गया है अपने पूर्वजों के याद में। यहाँ पर जो यहाँ के मुंडा हैं, मुंडा जनजाति के लोग, उनका ये हड़गड़ी स्थल है। देख सकते हैं इस तरह से काफ़ी बड़ा बड़ा पत्थर को ला के लगाया गया है। तो मेगालिथ ऐसे बड़े पत्थर या शिला को कहा जाता है जिसका प्रयोग लोग स्मारक स्मृति अपने पूर्वजों की स्मृति स्मारक बनाने में उपयोग करते थे। तो उसी का एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और ये वर्ल्ड का यूनेस्को भी इसे हेरिटेज का दर्जा दे चुका है। पहले ज़माने में इतना बड़ा बड़ा पत्थर लाना इतना नामुमकिन था, लेकिन लोग पता नहीं कैसे लेकर आते थे इतना बड़ा बड़ा पत्थर स्मारक में, उनके स्मारक में, अपने पूर्वजों के स्मारक में लगाना। अभी तो हम लोग मशीन की दुनिया में आ गए हैं, पर उस ज़माने में सोचा जाए तो कितना ही ये किस तरह से लाते थे, ये सोचने वाला एक बात है कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर कैसे ढो के लाते थे, किस तरह से लाते थे उतना दूर से, सोचने वाली बात है। तो अपने पूर्वजों के स्मारक बनाने के लिए स्मृति जो हड़गड़ी करते हैं वो
करने के लिए इतना दूर से। तो सामने देख सकते हैं पहाड़, वहीं से लाया जाता था। इस तरह का बनाया गया है, चार स्टैंड लगाया गया है पत्थर का ही, और इस तरह से एक छोटा छोटा तीन ऐसे बनाया गया है और छोटा छोटा पत्थर लगाया गया है यहाँ पर। ये पत्थर आप देख सकते हैं काफी। इस तरह से हमने देखा कि ये कितना ही बड़ा ऐतिहासिक जगह है, ये जो भी चौकहातू का ये मेगालिथ साइट, यहाँ का जो देख के सचमुच ही अभी तक का सबसे बड़ा जो इस तरह का हड़गड़ी स्थल जहाँ तक हम देख पाए हैं, ये बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर जैसे कि पहले बता चुके हैं, लगभग अभी रिसेंट में ही इसका काउंटिंग किया गया है, जितना भी पत्थर जो स्मारक में उसकी स्मृति में लगाया गया है, ये लगभग 8,665 पत्थर अभी हाल फिलहाल में इसका काउंटिंग किया गया है। तो इतनी बड़ी मात्रा में मतलब इसकी संख्या है, तो काफ़ी ये सच में बहुत ही बड़ा है। देख सकते हैं पत्थर ही पत्थर हर तरफ भरा हुआ है। जो मेगालिथ इसका बहुत पहले से इसका खोज किया गया था, लेकिन इसका काम उतना हुआ हो नहीं पाया, और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जगह को इतने जल्दी दे नहीं सकते हैं ना कि आप खुदाई कीजिए ये कीजिए। तो इसीलिए इसका बस साइड जो है उसका बाउंड्री बनाया जा रहा है। अभी कुछ समय पहले से बनने स्टार्ट हुआ है यहाँ का बाउंड्री वगैरह। मेरे पीछे इतना बड़ा ये मेगालिथ साइट, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा साइट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अगर आप कभी इस तरफ आते हैं बुंडू तरफ, तो बुंडू से को चौकहातू गांव के लिए आना पड़ेगा, सोनहातू रोड पकड़ना पड़ेगा, और वहाँ से चौकहातू जो गांव है वहाँ आना पड़ेगा। तो सच में यहाँ पर देख के हम तो दंग ही रह गए, बहुत ही बड़ा है। पहली बार इतना बड़ा जो हड़गड़ी स्थल है वो देख रहे हैं। तो अब लौटते हैं यहाँ से, उस तरफ चलते हैं, पार्टी आए उस तरफ चलते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जोहार।